रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन के तेवर अब ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं और जीत के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस युद्ध में नए नए और ताकतवर हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। जंग में दोनों देशों को बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है, कभी रूस यूक्रेन पर तो कभी यूक्रेन रूस पर हमले कर उसे नुकसान पहुंचाता है। इस जंग को 2 साल हो गए हैं और अब तक ये जंग निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच सकी है, जबकि इसमें अब तक दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच रूस ने कुछ ऐसा कर डाला जिसे यूक्रेन के होश उड़ गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे घातक और आधुनिक सुपरसोनिक बॉम्बर TU-160M में उड़ान भरकर यूक्रेन और खासकर पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश दिया। पुतिन ने इस घातक परमाणु बॉम्बर में उड़ान भरकर अपनी मजबूती का दावा ठोक दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए पुतिन ने बॉम्बर TU-160 को उतारा है। यूक्रेन ने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर इस बात की पुष्टि की है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने TU-160M बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया है। नेटो देश इस हथियार को ब्लैक जैक भी कहते हैं। एक तरफ रूस के दुश्मन देश इससे दहशत में है, तो वही भारत जैसा दोस्त देश रूस के इस बॉम्बर को खरीदने का मन बना रहा है। आखिर रूस के इस घातक बॉम्बर से पश्चिमी देश खौफ क्यों खा रहे हैं? ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर विमान है और इसकी डिजाइन और खासियतों की वजह से रूस में इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। ये विमान 177.6 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट है, ऊंचाई 43 फीट है। खाली प्लेन का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है, जबकि टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 12000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकता है। ये इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम से लैस है, जिससे ये ज्यादा समय तक हवा में उड़ान भर सकता है। खास बात ये है कि ये किसी भी तरह के हथियार को ले जाने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता 40000 किलोग्राम तक है। ये अधिकतम 52000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये क्रूज मिसाइल और परमाणु बम भी अपने साथ ले जा सकता है। भारत अपने दोस्त रूस से इस घातक विमान को खरीदने पर विचार कर रहा है। यदि ये बॉम्बर विमान भारत के डिफेंस में शामिल हो जाता है, तो भारतीय वायुसेना की ताकत 2 गुनी बढ़ जाएगी और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद भी उड़ जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विमान चीन और पाकिस्तान के समुद्री पोतों को चुटकियों में तबाह कर सकता है और दुश्मन देशों की सीमा में घुसकर तबाही फैला सकता है। पाकिस्तान के खतरे और चीन के खिलाफ ठोस मजबूत हथियार के रूप में भारत परमाणु बॉम्बर खरीद सकता है।